हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले अच्छी फुल उसके नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। तो यार, अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हो, बात करनी कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन देनी है तो दे सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यार, वीडियो बहुत ही ज्यादा गंभीर वाली है, गंभीरता वाली है। वीडियो का डाटा मैं जल्दी से बताता हूँ। पाकिस्तानी आर्मी पर तालिबान का मॉर्टर्स और रॉकेट से ताबड़तोड़ हमला। अच्छा, क्या मतलब है उनको? अफगानिस्तान वो जब क्रिकेट मैच आ रहा है तो उसका क्या मतलब, सीन हो गए हैं क्या? तो यार वैसे तो बाद में बात करेंगे, अभी तो ये देखते हैं कि मतलब हमला क्यों किया है उन्होंने, हुआ क्या वैसे। 3-2-1 एंड स्टार्ट। तालिबान की मदद की, पाकिस्तान को मिली सजा। पाकिस्तान आर्मी पर तालिबान का ताबड़तोड़ हमला। अफगानिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तान आर्मी से जंग। अफगानिस्तान उन्होंने किया तो पाकिस्तान को छोड़ा होगा। दो सैनिक मरे, मोर्टार और रॉकेट से तालिबान का पाकिस्तान पर हमला। दो सैनिक शहीद हुए हमारे, ये देखो। तहरीके ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। पाकिस्तान के लड़ाके पाकिस्तान पर हमला करने को तैयार। ये तस्वीरें जरा फुल फ्रेम दिखाइए, दिखाइए हालात कैसे हैं। और अगर ये गुलामी की जंजीरें वहाँ टूटी हैं तो क्या फिर डूरंड लाइन को नहीं मानने वाला तालिबान या तहरीके तालिबान पाकिस्तान? अब ये चाहता है कि इस्लामिक स्टेट उसके मुताबिक जो है उसका विस्तार क्या पाकिस्तान की तरफ भी हो जाना चाहिए? ये लड़ाई क्यों हो रही है? और अगर ये इस्लाम की जीत थी, इस्लाम की फतेह थी, जैसा अभी आपने देखा था कि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने कुछ दिनों पहले एक क्रिकेट मैच पर ये कहा था कि ये इस्लाम की फतह है, तो यहाँ इस्लाम को मानने वाले इस्लाम को मानने वालों को मारने में क्यों लगे हुए हैं? ये बात सही। जरा देखिए, ये रॉकेट जो चलाए जा रहे हैं वो एक कलमा पढ़ने वाले की तरफ से दूसरा कलमा पढ़ने वाले की तरफ चलाए जा रहे हैं। क्या अब इस बात की जंग भी शुरू हो गई है कि ऐसे नहीं होना चाहिए यार? चलो हमला अगर हुआ भी है तो इसकी बात बन जाएगी। ये देखिए, बोतल में पेट्रोल भरकर पेट्रोल बम बनाकर कहीं मुसलमान मुसलमान को क्यों मारता है कहीं पर? हाँ, ये बॉर्डर है ना, हर्ल करके ताकि उसकी पहुंच दूर तक जाए, इसके लिए उसको घोंसले की तरह हाथ से घुमाकर फेंका जा रहा है ताकि वो पाकिस्तानी बंकर की तरफ जाए। ये जो आप देख रहे हैं बार्ब्ड वायर जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये घुसने के लिए यहाँ से घुसपैठिए तैयार है। तालिबान के घुसपैठिए, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के घुसपैठिए, ये पाकिस्तान की तरफ एंटर करने के लिए तैयार है। मतलब यहाँ कश्मीर में जो करने की कोशिश की जा रही है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है तालिबान की तरफ से, जो घुसपैठ हो रही है पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ अंदर। इसीलिए कहा जाता है कि कहीं ना कहीं कर्म आपका पीछा करते हैं। अब जरा इसको मैं रजा फैजल आपके पास समझने आऊं, उससे पहले जरा एक बार पूरे मेहमानों इंडिया वो न्यूज़ देता जो पाकिस्तानी मीडिया भी नहीं देता वाकई। इसको लेकर ब्रजेश जी के पास जाना चाहता हूं, उनके पास हर खबर पहुंचती है। मेजर जनरल ब्रजेश लेकिन मेरे साथ है नहीं, ऐसा बताया जा रहा है। यहां मुख्य ओपोजिशन पार्टी जो है कांग्रेस, द ग्रैंड ओल्ड पार्टी ऑफ इंडिया, उससे भी जरा मैं उसका रिएक्शन लेना चाहता हूं। हालातों को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं सर आप? गौतम भाई, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान के उस मंत्री का जवाब देना चाहूँगा। मंत्री, इसने मैच की जीत को इस्लाम की जीत बताया है, तो इस तरह से तो इस्लाम इतनी बार हारा है कि उसका हारने का रिकॉर्ड ज्यादा है और जीतने का बहुत कम है। तो पाकिस्तान के यार वो बेवकूफ मंत्री है ना, उसको निकालता जाता है मुंह से, उसको समझ नहीं आता, इस पर नहीं जाते। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ सर एक चीज, और विजय कौशिक जी इसके लिए मुझको माफ कीजिएगा, एंकर ने भी उसको मतलब रोका है कि भाई राहत करने वाली बात है सर, इसलिए मैं इस पर नहीं जाना, मैं इस पर आना चाहता हूँ सर। अभी देखिए, वहाँ तहरीके लबैक पाकिस्तान जो है उसको लेकर पहले वही मंत्री जी जिन्होंने क्रिकेट को लेकर ये बयान दिया था, उन्होंने पहले कहा कि नहीं ये मजहबी संगठन है, फिर उसके बाद कहा नहीं ये कट्टर है और ये आतंकवादी, और फिर ये कहा गया कि इनको अंदर करो, उनके खिलाफ रेंजर्स लगा दिए गए। क्या कंफ्यूज है क्या पाकिस्तान? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, अगर कंफ्यूज ना होता पाकिस्तान तो आज उसके ऐसे दुर्दिन ना आ रहे थे। भारत से अच्छा मित्र, पड़ोसी, भाई उसका कोई हो नहीं सकता था, लेकिन उसने हमेशा भारत की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया, जिसके लिए वो खुद जिम्मेवार है। वो जिन आतंकवादियों को 72 हूरों से मिलने का लालच देकर भारत भेजते हैं, उनको भारतीय सेना 72 हूरों के पास भेजती रहती है, लेकिन उसके बावजूद गोली के निशाना बनते हैं, पाकिस्तान नहीं समझ रहा, तो इसका इलाज यही है कि यार यहाँ पे जो हमला करते हैं पाकिस्तानी मीडिया के इंडिया कराता है, चीन का गुलाम होकर रह जाएगा पाकिस्तान, ये नहीं कि टेबल पर बैठ के मसला हल करो। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारत वर्ष पर। तो यार इसी के साथ तो ये वीडियो खत्म। अब आते हैं अपने मतलब इस बात पे, यार तालिबानों ने ये नहीं किया होगा,
तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो उनके बंदे वहाँ पे छुपे हो सकते हैं। भैया देखो हमला हुआ, हमारे दो जवान भी शहीद हो गए और रॉकेटों से हमले हो रहे हैं और मॉर्टल से भी। ये हमारा मीडिया नहीं बताता, इंडियन मीडिया ने बताया। बिल्कुल जिस तरह से वो बता रहे थे हालात बड़े खराब ही हैं, क्योंकि उन्होंने कोई तारे भी वो सरहद की बाढ़ नहीं लगी होती वो भी तोड़ दी और अंदर से घुस रहे हैं, घुस रहे हैं। ये हालात बहुत खराब है, खराबी की तरफ जा रहे हैं। और क्या पता आगे आने वाले टाइम में और भी खराब हो सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो इनको एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। हमारे जो मंत्री हैं शेख रशीद साहब, उन्होंने बयान दिया था कि वो जीत की वो गलत था, गलत था ना भाई। इस्लाम की फतह, इस्लाम के खेलों में फतह नहीं होती। इस्लाम की फतह तब होती है कि बंदा कोई ऐसे काम करता है जिहाद के लिए निकलता, तब इस्लाम की फतह होती है, ऐसी फतह नहीं होती। मैं तो लड़ाइयों झगड़ों के फसादों में पढ़ नहीं जाता, एक घंटी दूसरे घंटी पे बमबारी करता है, ये फतह नहीं होती। आम लोग, आम शहरी, आम नागे मारे जाते हैं और नुकसान आम नागे होता है ना। और जिस तरह से ये हुआ, ये टीडीपी नहीं किया होगा, अफगानिस्तान के तालिबानों ने, जहां तक मेरा ख्याल नहीं हो, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट के काफी अच्छे संबंध जा रहे हैं, जो भी सीन अब यार इनका अच्छी जा रहा है। अगर ये तालिबान ने किया तो हमने तालिबान से क्या हालात किए थे, उनका मदद दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, रिस्पेक्ट उनके। हमारे खाने के नहीं है, उधर से यहाँ पे चीजें जा रही हैं, ना भी करने करने हमने 7-8 जहाज उनको खुरा के पहुंचाए। हाँ तकरीबन हो सकता है, मुझे अब इतना आईडिया नहीं, लेकिन पहुंचाए हैं भाई। और जिस तरह से बात हो रही है अब इस हमले की, तो यार गलत है ना, ये चीज नहीं करनी चाहिए। और अगर मैं कहता हूँ पाकिस्तान इंडिया एक मेज पे आके दोनों बैठे, तो ये दोनों के कंट्री के जो हालात खराब हुए हुए हैं ना, इंडिया की साइड के कश्मीर के और हमारे यहाँ बलोचिस्तान क्वेटा के, तो वो ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल यकीन मानो ठीक हो जाएंगे, दो दिन लगेंगे ठीक होते हुए। आतंकी संगठन क्या है, एक आर्मियों के सामने क्या है, कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ कि एक दिन के अंदर सारा क्लियर मार देंगे, बिल्कुल क्लियर कर देंगे। वजह जब आप हमारे मुल्क में जो हालात बने हुए हैं ना देखें, वो बहुत खराब है। मरना चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, कोई बात किसी की सुन ही नहीं रहा। इधर पता चलता है कि हुकूमत की नाम की कोई चीज नजर नहीं आती। बस अगर हुकूमत कोई एक्शन भी लेती है तो लोग मारे जाएंगे, फिर वो जमातें और ज्यादा ताकतवर हो जाती है। बिल्कुल फिर वो बोलेंगे कि हुकूमत ने ये कार्रवाई की है तो बंदे हमारे शहीद हो गए या मारे गए, तो आप आओ ना बच्चों, फिर अफरा तफरी और नाम खराब होता है, हुकूमत के लिए और परेशानियां भाई ना। और जिस तरह से अभी अफगानिस्तान भाई, उनकी टीम बेचारी वर्ल्ड कप खेल रही है, बेचारे वो भी अपने खर्चों से खेल रही है। मुझे कसम से बड़ा दुख इस बात को हुआ जब मुझे पता लगा कि तालिबानों ने उनको, गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट करने से मना कर दिया, फिर इनकी टीम के बंदे को छाए हैं, फिर यहाँ से आई थिंक कोई पाकिस्तान से भी थोड़ी बहुत हेल्प हुई है, तो वो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। अंदाजा लगाओ मतलब हालात कितने वहाँ के भी बेचारे खराब हुए हुए हैं। बस अमेरिका था तो सही था सारा, ये आए हैं तो मतलब रो रहा है हर कोई बंदा, रो रहा है। कल मैच हो रहा था अफगानिस्तान का, परसों पता नहीं परसों तरसों था कि कल वाला, वो रो पड़ा था नबी, वो जो उनका कैप्टन है। वजह हालात ठीक ना अपने मुल्क के, तो फिर इंसान क्या कर सकता है, फिर अफसोस ही कर सकता है। वो कहता है कि बस हमारे कंट्री का हालात ठीक हो जाए बस। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है, इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।